अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टूरिस्तान की न्यू एपिसोड में खुश आमदीद। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। टू थाउजेंड सिक्स से स्टार्ट होने वाली मार्गल एवेन्यू फाइनली 2023 में जाके कंप्लीट हो चुकी है। वेल स्टिल नॉट फुली कंप्लीट, फेज़ वन का कुछ पार्ट रह गया है जो E11 को टच करना है। D12 तक कंप्लीट हो चुकी है और आज इस एपिसोड में हम आपके लिए लाइव प्रूफ लेके हाजिर हुए हैं। अभी हमने D12 से स्टार्ट किया है टूवर्ड्स GT रोड और मोटरवे यू कैन से। अर्लियर दिस ईयर जनवरी में हम आपके लिए अपडेट्स लेके आए थे जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी। लैंड डिस्प्यूट की वजह से कंस्ट्रक्शन बहुत साल रुकी रही है, लेकिन अब फाइनली मसले रिजॉल्व हुए हैं और एक पार्ट मार्गल एवेन्यू का कंप्लीट हो गया है D12 तक। फेज़ वन में सिर्फ E11 टू D12 मिलाने का मामला रह गया है, बाकी सब कंप्लीट है। लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो तो शाहलतीता के मकाम पर एक फ्लाईओवर ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन था, बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे था। बट ऑल ऑफ अ सडन विद इन 2 मंथ्स FW और CDA ने काम खींचा और अब ये ब्रिज फुली फंक्शनल है, कारपेटेड है और इस पर ट्रैफिक रवान दवा है। अभी हम उसी के ऊपर से गुजर रहे हैं। सुशा लदिता जो कि एक सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मार्गल एवेन्यू, मगर अब हम इसको बाईपास कर रहे हैं थ्रू दिस फ्लाईओवर ब्रिज। मेस्मराइजिंग व्यू ऑफ मार्गल हिल्स एंड शाहलतीता जो कि एक एमर्जिंग टूरिस्ट अट्रैक्शन है। स्पीकिंग ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन, वी कॉल दिस मार्गल हाईवे और मार्गल एवेन्यू टूरिज्म गेटवे, क्योंकि ना सिर्फ ये मार्गल एवेन्यू इस्लामाबाद और उसकी सराउंडिंग में जितने भी पिकनिक और आउटिंग स्पॉट्स हैं उनको मिलाती है, बल्कि नॉर्दर्न एरियाज़ को भी डायरेक्ट एक्सेस देती है फॉर द पीपल ऑफ इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। साथ ही साथ बताते चलें कि जिस जगह से अभी गुजर रहे हैं इधर बहुत बड़ा पहाड़ था जिसको सालों लग गए काटने और लेवल करने में। मार्गल एवेन्यू अब फुली ऑपरेशनल है, डिवाइडर्स लग चुके हैं, स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी हैं। Stop from GT Road to D12 and eventually E11. छोटी ट्रैफिक के लिए इसको ओपन कर दिया गया है और बड़ी गाड़ियों का दाखिला वैसे ही ममनू है, लाइक बसेज एंड ट्रक्स, विच विल बी मोर कन्वीनियंट एंड ईजी फॉर डेली कम्यूटर टू कम इन एंड आउट ऑफ इस्लामाबाद। एज यू कैन सी डायरेक्शन बोर्ड्स वगैरह भी लग चुके हैं। वैसे तो मार्गल एवेन्यू का नज़ारा मार्गल हिल्स के साथ बहुत ही खूबसूरत और शानदार है, लेकिन अगर ऐसा मौसम भी मिल जाए तो क्या ही बात है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मार्गल एवेन्यू का विच इज़ रिलेटेड टू रियल स्टेट। जैसा कि लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि जहाँ जहाँ मार्गल एवेन्यू जाएगी वहाँ वहाँ प्राइसेस अप होना शुरू हो जाएंगी प्रॉपर्टी की, और वही हुआ है। इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है क्योंकि ये ऑपरेशनल हो गई है तो सराउंडिंग में जितने भी सेक्टर्स हैं उनकी प्राइसेस अप हो गई हैं और मज़ीद ऊपर जाएंगी। कमिंग बैक टू टूरिज्म गेटवे, इस्लामाबाद के सारे हैंग आउट स्पॉट्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कवर करेगी। लाइक फॉर इंस्टेंस डायरेक्टली अगर बात करें तो बुद्धा केव्स इन शाहलतीता तो है ही है, जैसा कि पहले भी जिक्र किया। उसके बाद पीर सुहावा, उसमें मुनाल और डायनो वैली उसको लिंक करेगी, फैसल मस्जिद, F9 पार्क, फातमा जिना पार्क, और अगर इनडायरेक्ट एक्सेस की बात करें तो शक्करपड़ियाँ, मॉन्यूमेंट, लेक व्यू पार्क एंड इवन मरी। यस दैट्स राइट, मरी इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड बिकॉज इसका सेकेंड फेज़ जो है वो बारह कहू से लेकर मार्गला रोड तक बनना है,
जो डायरेक्ट एक्सेस देगा फ्रॉम जीटी रोड टू बाराकाहू विच विल बिकम इस्लामाबाद बाईपास। और बाराकाहू में जो इतना बड़ा बॉटलनेक बनता है ट्रैफिक का, गाड़ियों का, उससे आपको बच के ईजिली मरी जा सकते हैं और एक ही दिन में वापसी भी कर सकते हैं कन्वीनियंटली। और साथ ही साथ एबटाबाद, लेकिन एबटाबाद को जब भी आप सोचते हैं तो वो मरी के थ्रू ही सोचते हैं कि मरी से नथिया गली, नथिया गली से एबटाबाद। लेकिन ये एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि इस टूरिज्म गेटवे की वजह से आप ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं हज़ारा मोटरवे, और हज़ारा मोटरवे से ओनली 30-45 मिनट्स का रास्ता है टू एबटाबाद। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू गोइंग टू एबटाबाद वाया मरी। एंड एबटाबाद इज़ अ गेटवे इटसेल्फ टू नारान कागान एंड हुंजास करतू गिलगित बल्तिस्तान। सो इट इज़ कन्वीनियंट फॉर बोथ पीपल लिविंग आउटसाइड इस्लामाबाद एज वेल एज पीपल फ्रॉम इस्लामाबाद, क्योंकि जो बाहर रहते हैं वो अगर प्लान करें इस्लामाबाद विज़िट करने का तो ये सारे के सारे पॉइंट्स कवर करके एक दिन में वापसी भी कर सकते हैं। सिमिलरली इस्लामाबाद के लोगों के लिए भी नॉर्दर्न एरियाज जो ऑलरेडी जिक्र किए एबटाबाद और उससे आगे, इसके साथ साथ सवात और मालम जब्बा, ये सारे इलाके भी बहुत ज़्यादा एक्सेस में आ गए। ऊपर से टूरिज्म गेटवे का अपना नज़ारा भी बहुत ही शानदार है, बहुत ही खूबसूरत। तो ये था आज का लाइव प्रूफ फ्रॉम T12 टू GT रोड इन ओनली 7 मिनट्स। यस दैट्स राइट, हमने बगैर किसी ब्रेक के 7 मिनट्स में 70 की स्पीड पे ये फासला कवर किया है। अगर आप 80-90 की स्पीड पे जाते हैं तो ईज़िली ये 5-6 मिनट्स में कवर हो जाता है डिस्टेंस। फर्दर मोर अगर E11 आपने जाना है तो 2-3 मिनट्स ऐड कर लें, तो टोटल इन 10 मिनट्स यू कैन रीच E11 फ्रॉम GT रोड। GT रोड पहुंच चुके हैं, आप इधर से लेफ़्ट लेंगे तो थनौल और मोटरवे, और राइट लेंगे तो B17 और टैक्सला और वाह। होपफुली आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हम इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक न्यू एपिसोड के साथ। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम पाकिस्तान टूरिस्तान।